आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख देखने मिलेगा। तो शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। बहुत हफ्तों से जो उम्मीद थी कि गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी आनी चाहिए, वो इस हफ्ते हमें पूरी होते हुए दिखी। हम लगभग $1780 से जो एक सपोर्ट की बात कर रहे थे और वहाँ से तेज़ी उम्मीद कर रहे थे, वो हमने फुलफिल होते हुए देखी। 1845 से 1850 की जोन में हाइज लगते देखे स्पॉट गोल्ड में। वहीं पर भारतीय बाजारों में M6 पर हमने देखा कि 47,800 के लोज बनाने के बाद लगभग 48,550 तक के हाइज बने। हालांकि जो क्लोजिंग है 48,250 के करीब M6 पर देखने मिली। आगे जानेंगे कि क्या हो सकता है। तो एक मुनाफा वसूली का दौर हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलेगा, जहां पर 48,000 से 47,900 तक हो सकता है दाम थोड़े से फिसल सकते हैं, क्योंकि लगभग $50 से $55 की कंटिन्यूस तेज़ी आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बनता है और उसकी उम्मीद है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये $1815 से $1820 तक स्पॉट गोल्ड में लेके जा पाएगी और डोमेस्टिक मार्केट्स में, जैसे अभी डिस्कस हुआ, 48,000 से 47,900 तक के लेवल देखने मिलेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का अगर व्यू रखें तो अभी भी $1870 यानी डोमेस्टिक बाज़ारों में 48,800 तक के न्यू रिसेंट हाइज बन सकते हैं गोल्ड में। वहीं चांदी की बात करूं तो हमने लगभग $2425 के ऊपर के लेवल देखे, यानी पिछले दिनों में जो $23 के लेवल थे वहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या आई वुड से रैली आते हुए देखी है। और भारतीय बाज़ारों में भी हमने 60,000 के करीब ये डिस्कस किया था कि ये डबल बॉटम बना है और उसके बाद 63,200 का ब्रेकआउट है, जिसके ऊपर ये लगभग 65,500 तक जा सकता है। तो एग्जैक्टली वही देखने मिला, 65,500 के ऊपर के हाइज देखे गए और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ मार्केट ने क्लोज दिया 64,700-750 के करीब, जो काफ़ी स्वाभाविक है क्योंकि इतनी लंबी तेज़ी आने के बाद ट्रेडर्स का ये एक रुझान रहता है कि या एक रुख रहता है कि वो एक जो अपने प्रॉफिट्स है वो लॉक इन कर लें। तो आने वाले दिनों में चांदी में भी मुझे लगता है कि 63,200 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम 64,000 या उसके नीचे के स्तर देख पाएँ तो दोबारा बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। नेक्स्ट हाई जो होगा वो 66,500 का टारगेट लिया जा सकता है। तो इस लक्ष्य को लेकर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का एक बाइंग पोजीशन इन्वेस्टमेंट के लिए बना सकते हैं। और अगर समराइज़ किया जाए तो गोल्ड में 48,800 और चांदी में 66,500, ये दो लक्ष्य लेके चला जा सकता है आने वाले दो हफ्तों के लिए। वहीं अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बढ़िया मोमेंटम हमें क्रूड ऑयल में देखने मिला और जो लगभग 6,600 के करीब की बात थी वो हमें फुलफ़िल होता हुआ देखा। उसके बाद मुनाफा वसूली भी देखी गई, 6,200 तक के लेवल भी देखे गए। तो काफ़ी उठापटक भरा माहौल था, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो करंट मूव है ये एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 6,000 के नीचे दाम जाएंगे, यानी 6,100-6,200 के बीच अगर प्राइसेस दोबारा मिलती भी है तो एक पोजिशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए 6,700 के लक्ष्य के लिए। और अगर मैं आने वाले एक महीने की बात करूं तो मुझे लगता है कि 7,100 का एक लक्ष्य हमें देखने मिलेगा, यानी ब्रेंट क्रूड जो है वो हो सकता है कि $100 के काफ़ी करीब जाता हुआ दिखे। तो मैं ओवरऑल तेज़ी में रहना ही पसंद करूंगा। अभी भी शॉर्ट टर्म मुनाफा वसूली ज़रूर देखने मिलेगी, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है नई पोजिशन बिल्डअप करने में, और 6,700 और उसके बाद 7,100 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म। वहीं नेचुरल गैस में हमने 350 से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, 290 के क्लोजिंग आते हुए देखी है। ऐसा लगता है कि एक स्विफ्ट शॉर्ट कवरिंग आने के बाद, क्योंकि 265 से लगभग 355 तक लगातार एक मुनाफा वसूली हमने देखी थी, जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने प्रॉफिट बुक किए। साथ ही साथ US में एक वेदर को लेकर भी कंसर्न्स थी कि ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हो सकती है, जिस वजह से नेचुरल गैस का डिमांड बढ़े। तो एक स्विफ्ट शॉर्ट कवरिंग मूव जैसे कहते हैं, काफ़ी तुरंत एक मूव आया था। उसके बाद हमने ट्रेंड को कंटिन्यू होते हुए देखा है, यानी जो पिछला ट्रेंड था 470 से 265 तक की फॉल हमने देखी थी वो हो सकता है कंटिन्यू हुई हो।
और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 310 से 315 के बीच रेजिस्टेंस लेगी प्राइजेस। डाउनसाइड में दोबारा 265 तक के लक्ष्य देख सकते हैं और हो सकता है कि 252 तक भी प्राइजेस दोबारा जा सकती हैं। तो मैं नेचुरल गैस में जनरली एक सेलोन रैलीज का रुख लेके चलना पसंद करूँगा। वहीं पर सबसे बड़ी उठापटक जो थी वो हमने बेस मेटल्स में देखी थी। सबसे बढ़िया और शानदार तेजी हमने निकल में देखी है। 1820 का लक्ष्य हासिल हो चुका है, जो हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि निकल बेस्ट काउंटर दिखता है सब में से, जिसमें सबसे लंबी तेजी दिख सकती है। तो वही हमें देखने मिला। 1830 तक के लेवल हमने M6 पर देखे, हालांकि जो क्लोजिंग थी वो 1810 के नीचे आई है। वहीं पर हमने कॉपर में भी बढ़िया तेजी देखी, 760 के करीब के हाइज देखे, क्लोजिंग 752 के करीब की थी। चाहे वो जिंक हो या फिर एल्यूमिनियम हो या फिर लेड भी हो, हमने तीनों काउंटर्स में तेजी आते हुए देखी है। तो ओवरऑल बेस मेटल्स में बढ़िया तेजी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा इसकी चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि 760 से 762 के बीच कॉपर के लिए थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और हम आने वाले दिनों में 744 से 740 के स्तर देख पाएंगे, यानी एक करेक्शन का दौर हमें कॉपर में देखने मिलेगा। उसी प्रकार 1820 के आसपास निकल में एक पोजिशनल ब्रेकआउट है, यानी जिस प्रकार 1600 के ऊपर प्राइसेस निकली तो 1820 तक गई, उसी प्रकार 1820 के ऊपर जब निकलेगी तो लगभग 2040 का स्तर ओपन अप हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर लेगा, थोड़ा सा पॉज लेगा, तो 1820 के ऊपर जाने की फिलहाल उम्मीद थोड़ी कम है। और अगर उसके ऊपर डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग नहीं आती तो हम दोबारा 1750 से 1730 तक की मुनाफा वसूली देख पाएंगे। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि पोजिशनल रुख जो है वो तेज़ी की तरफ ही बना रहेगा और 2040 हम इवेंचुअली देखेंगे, लेकिन फिलहाल इमीडिएट तौर पे देखने नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं जिंक में भी ऐसा लगता है कि 301 से 302 के बीच रेजिस्टेंस है और एक करेक्शन हमें 290 से 288 तक देखने मिलेगी। यहाँ पर भी रुख जो है वो तेज़ी की तरफ रहेगा, लेकिन आने वाले कुछ सेशंस में हमें 4 से 5 रुपये की एक करेक्शन देखने मिल सकती है। एल्यूमिनियम में हम ऑलरेडी एक फॉल देख चुके हैं, 245 से 240 के नीचे के क्लोज दिए हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक मुनाफा वसूली देख चुके हैं और ऐसा लगता है 242 से 243 पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये करेक्शन एक्सटेंड होगी और लगभग 236 तक के स्तर देखने मिलेंगे शॉर्ट टर्म। वहीं लेड में भी हम देख रहे हैं कि 188 के ऊपर ज़्यादा प्राइजेस नहीं जा रही, यहाँ पर भी 181 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बेस मेटल्स में एक करेक्शन की उम्मीद है, लेकिन जो निवेशक हैं इनसे ये ज़रूर कहूँगा कि जो डिप आती है वहाँ पर आप दोबारा अगर पोजीशन बनाएं, खास करके निकल पे ध्यान दें कि 1700 के करीब अगर मिलता है तो वहाँ पर दोबारा पोजीशन बनाएं, क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म या अगर हम 1 से 1.5 महीने की बात करें तो 2000 के ऊपर के लक्ष्य हमें बहुत ही आसानी से देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक रुझान कि आने वाले दिनों में क्या रुख हमें नॉन एग्री कमोडिटीज में देखने मिल सकता है। धन्यवाद। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।